आज हम क्लास 6 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके लिए देखिए हमारे पास एक नंबर है 728 गुना 101 728 मल्टीप्लाइड बाय 101। सबसे पहले हमने देखना कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 100, 10, 1000, 500, ठीक है, या 50, ऐसी किसी भी राउंड ऑफ वाली संख्या के नजदीक है। क्या 728 700-800 के नजदीक है या 101? तो हमें क्लियरली दिखता है कि 101 जो है, 101 जो है ये 100 के बिल्कुल पास है, ये 100 के बिल्कुल पास है ना। 728 बहुत दूर है 700 से या 800 से, लेकिन 101 जो है यह 100 के बहुत पास है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस 101 को तोड़ेंगे। देखो कैसे तोड़ेंगे, यह है 728 गुना 101 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 100 में 1 प्लस करने से 101 आता है। ठीक है बेटा, तो 101 को मैंने 101 को मैंने लिखा 100 प्लस 1। अब इसमें बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है, यदि एक नंबर किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस ब्रैकेट में दो या तीन या चार टर्म्स हैं, तो यह जो नंबर है यह जो नंबर है 728, ये पहले नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा, अगर इसमें और टर्म्स होती तो उनसे भी मल्टीप्लाई होता। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। दोबारा सीख लो, हमने 101 को लिखा 100 प्लस 1, इसको हमने ब्रेकअप कर दिया, और उसके बाद क्योंकि यह मल्टीप्लाई हो रहा था 728, तो यह 728 100 से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, यह सिर्फ मल्टीप्लाई में ही होगा ऐसा। ठीक है, तो 728 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करना है, 728 मल्टीप्लाइड बाय 100, बीच में प्लस का निशान डालना है, फिर 728 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 728 मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से ही। इस बात को बच्चों याद रखना आपने अच्छे से। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200, 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया 500, ऐसे ही 728 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो यह गया 728, इसके पीछे 100 वाले दो जीरो लगा दो, प्लस 728 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 728। अब हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है, चाहे तो आप सीधा सीधा ऐसे ही प्लस कर सकते हैं या फिर आप ऊपर नीचे लिख के प्लस कर सकते हैं। 72800, इसमें हमने 728 को प्लस करना है, इसको प्लस कर दीजिए, 0 में 8 प्लस किया 8, 0 में 2 प्लस किया 2, 8 में 7 प्लस किया 8 और 7 15, हासिल आया 1, 2 और 1 3 और ऊपर से उतारा 7, तो ये आ गया 735 28, 735 28। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दोबारा एक बार सीख लीजिए, हमने इसके देखना सबसे पहले यह है कि कौन सा नंबर 100, 10, 50, 30 ऐसे वाले नंबरों के पास है। 101 था तो 101 को लिखा 100 प्लस 1, उसके बाद ये 728 100 से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, इनको मल्टीप्लाई करके हमने प्लस कर दिया और हमारा आंसर आ गया। आइए हम इसके कुछ और पार्ट्स देखते हैं। जैसे बच्चों ये आपने खुद ट्राई करना है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं। जैसे ये है 5437 और ये है 1001, तो आप अपने आप से सोचो कौन सा नंबर 100 या 1000 के पास है, ये पास है, तो हम इसको ब्रेकअप करेंगे। देखो कैसे, 5437 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 1, ये ब्रैकेट में मैंने 1001 को लिख दिया 1000 प्लस 1। अब आप क्या करेंगे बच्चों, 5437 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5437 को 1 से करेंगे, जैसा हमने पिछले सवाल में किया वैसे ही आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इसी के साथ सी पार्ट देखो बच्चों, यह है 824 गुना 25। इसमें हम क्या करेंगे, 25 छोटी टर्म है, इसको तोड़ लेते हैं, ये बन जाएगा 824 गुना 25 को मैं लिखता हूं 20 प्लस 5। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अब 824 पहले 20 से गुना होगा, फिर 5 से गुना होगा। कैसे करनी है, जैसे आपको पिछले
फर्स्ट पार्ट में मैंने करके दिखाया, बिल्कुल वैसा ही करना है। अगला पार्ट देखिए, यह है 4275 गुना 125, इसमें से मैं 125 को तोड़ता हूं। यह है 4275 गुना 125 को मैं लिख देता हूं 100 प्लस 25। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होगा, जो 4275 है उसको पहले बेटा आप 100 से मल्टीप्लाई करना, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस आएगा, यदि माइनस का निशान होता तो माइनस आता, और फिर 4275 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है, जो दो आंसर आएंगे उनको प्लस भी करना है, जैसे आपने पिछले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको करके दिखाया। इसका लास्ट पार्ट है 504 गुना 35, तो इसमें देखो 35 दूर है, 4 प्लस है, तो मैं इसको लिखता हूं 500 प्लस 4, जरूरी नहीं है सेकंड टर्म को ही करना है, फर्स्ट को भी हम तोड़ सकते हैं। तो 504 को मैंने लिखा 500 प्लस 4 गुना 35। अब भी इसमें भी बच्चा वही चीज होगी कि पहले ये जो 35 इस ब्रैकेट से गुना हो रहा है जिसमें दो टर्म्स हैं, तो 35 को पहले आप 500 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 35 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसको जब आप लिखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, 35 को पहले 500 से गुना करेंगे, फिर 35 को किससे गुना किया, 4 से गुना करेंगे, बीच में प्लस था ना दोनों के, तो प्लस लगाया, देखो इनको गुना करना है तो 2 0 तो ये लग गए, 5 5 25 हासिल आया, 2 5 3 15 और 2 17, तो ये आ गया 17500 प्लस, यहां गुना करेंगे तो 5 6 20 हासिल आया, 2 4 3 12 और 2 14, अब 17500 में 140 प्लस कर देंगे, 0 में 0 प्लस किया 0 0 में 4 प्लस किया 4 5 में 1 प्लस किया 6 और ऊपर से उतारा 17, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 17640। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये मैंने कुछ भाग करवा दिया है, बाकी आप इसके खुद से ट्राई कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।